मैम हरदोई के बिलग्राम तहसील के ककराखेड़ा गांव में मौजूद है, जहां अभी आपको एक विशाल कछुओं का तालाब से रूबरू कराएंगे, जहां दूर दराज के लोग आते हैं। यही वो गांव है और यही जाने का रास्ता है, जहां एक बड़ा विशाल कछुओं का तालाब है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश के एक गाँव से आ रही पशु प्रेम की ये कहानी सुकून देती है। यहाँ सुस चाल के लिए पहचाने जाने वाले कछुओं को इंसान का प्यार भरा स्पर्श मिला तो उन्होंने अनछुए आयाम छू लिए। यहाँ के लोग गांव का नाम चमकाने का जो ख्वाब देखते रहे, वो काम उनके स्नेह से आबाद तालाब में रहने वालों कछुओं ने कर दिया। इनके चलते अब ये गांव पर्यटन के नक्शे पर चमक रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में चयनित देश के 8 तालाबों में यहाँ के तालाब को भी चुना गया है। देश के हरदोई जिले में बिलग्राम तहसील के राष्ट्रीय फलक पर इस छोटे से गांव को मिला इस मान से आज पूरा गांव गदगद है। सभी गर्वित भाव से अपने उन बुजुर्गों के प्रति आभार जता रहे हैं जिनके स्नेहिल स्पर्श के चलते गांव को यह मान मिला है। पूर्व बिलाग प्रमुख कप्तान सिंह यादव बताते हैं कि 1965 में तालाब में पानी खत्म हो गया था। पता नहीं कहां से 4 कछुए आ गए थे, वो पानी सूखने से परेशान थे। उनके पिता ने तालाब के पास ही स्थित कुएं के पास गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरकर चारों कछुओं को उसी में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद बरसात हुई तो उन्होंने फिर से तालाब में छोड़ दिया गया, फिर कभी ना सूखे इसके लिए पूरे गांव के पानी का निकास उसमें कर दिया गया। इसके बाद तालाब कभी नहीं सूखा। कछुओं का कुनबा बढ़ते हुए अब 10,000 पार पहुंच चुका है। यहाँ कहीं कछुए तो 50 किलो से लेकर 100 किलो तक है। तालाब की बहुत जब गांव बसा था उसी टाइम का ये था, बहुत प्राचीन तालाब। इसका क्या इतिहास क्या है? इसका इतिहास बस ये है कि कछुओं का जो इतिहास आप पूछ रहे हैं, तो ये 1966 की 1967 में जब हम दर्जा 3 और 4 में पहुँचे, तो एक बार तालाब सूख गया था, इसके 4 कछुए जो हैं हमारे पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्त के थे, उन्होंने एक थल्ला बना के कुएँ के पास ही इनको डाला। और बरसात होने पर ये तालाब में आ गया। ये 4 कछुओं का ही जो ये वंश है, और मेरे ख्याल से करीब करीब 5-7 हज़ार के आसपास कछुए होंगे। अब गिनती तो पानी में नहीं की जा सकती। इसका ख्याल तो हमारे ही सब परिवारी जन और लगभग गांव ही है सभी लोगों, और ख़ासकर तालाब के किनारे हमारे परिवारी जन ही रहते हैं। रही बात देखने की तो आसपास क्षेत्र के लोग तो आते ही आते हैं, लेकिन कई बार महाराष्ट्र के लोग आए, हरियाणा साइड के लोग आए, आते रहते हैं। आपके हिसाब से अभी इसमें क्या क्या विकास होना चाहिए? और अब विकास के लिए अभी विकास ही क्या हुआ, ये एक ही किस्त माननीय मुलायम सिंह यादव ने दी थी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो एक साइड में सीढ़ियाँ बनवाई। और इसमें क्या चाहते हैं आप? अब इसका सौंदर्यीकरण चाहते हैं ताकि ये पर्यटन में आ जाए, और जो कछुए हैं ये विलुप्त जीव है, और इसको हमने संजो के रखा हुआ है। सौंदर्यीकरण इसका जिस दिन हो जाए, इसका पूरी तरीके से रख रखाव हो जाए, इसके लिए सरकार से भोजन व्यवस्था कुछ हो जाए। अभी तो हम ही लोग सब करते हैं जो कुछ होता है। गांव वालों ने कछुओं को शिकारियों से बचाए रखा है। जिसने भी कछुओं पर बुरी नज़र डाली उसकी ग्रामीणों ने जमकर खबर ली। कछुए अक्सर तालाब से निकलकर बाहर भी विचरण करते हैं। अगर किसी गली में किसी को कोई कछुआ मिल जाता है तो वो उसे उठाकर तालाब में छोड़ आते हैं। इतना ही नहीं, कछुए तालाब के किनारे खेतों में गड्ढा खोदकर अंडे देकर फिर उसे बंद कर देते हैं।
ग्रामीण ऐसे स्थानों का पता होने पर उसकी सुरक्षा भी करते हैं। आज यहाँ 10,000 से ज़्यादा कछुए हैं। वहीं अभी ये कछुए तालाब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और कछुओं के लिए तालाब में दाना डालते हैं। लोग जैसे ही तालाब में दाना डालते हैं, दर्जनों कछुए ऊपर आकर दाना खाने लगते हैं। तहसील के ककराखेड़ा गांव में मौजूद है, जहां एक कछुओं का बहुत बड़ा तालाब है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितने बड़े बड़े विशाल कछुए हैं। यहां पर दूर दराज के लोग कछुओं को दाना खिलाने आते हैं और अपना छुट्टियों का दिन यहां पर बिताते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये बताइए कि आपको यहाँ पर कैसा लगा कछुओं का तालाब देखकर? वेरी गुड, बहुत ही बेस्ट लगा हमको। अक्सर आते जाते हैं, कछुओं को दाना खिलाते हैं और यू आर ब्यूटीफुल बेस्ट लगता है। आप देख सकते हैं कि कछुए किस तरह से ऊपर आ रहे हैं और दाना खा रहे हैं। आप देख सकते हैं, तो मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाना चाहें कि किस तरह से लोग पाप से डाल रहे हैं और कछुए खा रहे हैं एक कपड़े चढ़कर। इसमें लगभग 10,000 से भी अधिक कछुए मौजूद हैं यहाँ पर, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे मिलवाना चाहूँगा कि ये बताइए भाई कैसा लगा यहाँ पर आकर? और यहाँ पे देखा है, यहाँ पे इतने सारे कछुए हैं और यहाँ पे सुना भी है कि यहाँ पे करीब 4 कछुए थे और उसी कछुए से करीब यहाँ पे 10,000 से ऊपर कछुए होते जा रहे हैं और काफ़ी कछुए हैं। बाकी लोग भी, काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं। आने के बाद यहाँ पे लोग खाना खिलाते हैं और जो भी पाप वगैरह जो कुछ होता है वो आते हैं यहाँ पे डालते हैं, लोगों को खिलाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक विशाल तालाब है जो कि एशिया में गिना जाता है, 5 तालाबों में गिना जाता है। कछुए देखिए यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए आपको यहाँ पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत हम लोग मल्लावा से आए हुए हैं कछुआ देखने और ककराखेड़े में बहुत अच्छे हम लोग शूटिंग भी कर रहे हैं, फोटो वगैरह सेल्फी ले रहे हैं। 10,00,000 कछुए हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा।